सर्वप्रथम मैं प्रताप जी और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल के सीजन 3 के लिए। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से तीसरा साल भी इन्होंने सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, और कोई भी शहर उसके लिटरेरी चीज़ों से ही ज़्यादा जाना जाता है, और अगर हम लिटरेचर फेस्टिवल्स को इस तरीके से सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाएँ तो जितना हमारा नाम होता है या जितने अच्छी तरीके से हम देखे जाते हैं वो और बाकी चीज़ों से नहीं देखे। एनीवे प्रोग्राम को शुरू करते हुए मैं सर के बारे में तो काफ़ी सारा बताया गया है, तो मैं भी थोड़ा बहुत लिख के लाया हूँ, और मैं भी बोलना चाहूँगा सर की उपलब्धियाँ ऐसी हैं कि हर एक मुँह से उनकी तारीफ निकले तभी मज़ा है। तो माननीय सेवानिवृत्त IPS श्री राजेश पांडे जी का स्वागत करना चाहूँगा मैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपी को शांत रखने में जो दो बहुत बड़े फोर्सेस हैं SPF एंड ATS दोनों के संस्थापक सदस्य सर रहे हैं, और प्रेजेंटली सर यूपी EIDA के नोडल अधिकारी हैं। आप प्रेजेंटली भी बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं कि जितने भी एक्सप्रेस वेज हैं उनकी मॉनिटरिंग सर के अंडर में है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये देखते हुए कि आजकल कितना ज़्यादा एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट। सर का जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मेरे को बड़ा भाया कि सर की एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। सर ने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, SRF JRF दोनों क्वालिफाई किया, और सर ने का एक ब्रीफ करियर एज ए प्रोफेसर भी रहे हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एक इतने स्ट्रॉन्ग पुलिस ऑफिसर का एक एकेडमिक पार्ट भी है, और उस चीज़ को सर ने अभी भी जिंदा रखा है क्योंकि सर ने दो किताबें भी लिखी हैं। उनकी एक किताब का नाम है अंग्रेज़ी में ऑपरेशन बजूका, और दूसरा हिंदी में है वर्चस्व, जिसमें सर ने अपने जीवन के जितने भी पुलिसिया क्या कहते हैं असाइनमेंट्स लिए हैं उनका पूरा ब्यौरा दिया है। सर ने अभी तक 100 एनकाउंटर्स किए हैं, जिसमें कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 90 के दशक में यूपी जल रहा था क्राइम में और चीज़ें बहुत वोलेटाइल थीं। ऐसे में जब सभी कुछ सरेंडर्ड थे और एक चंद हैंडफुल ऑफ पुलिस ऑफिसर्स जिनमें सर भी हैं एक पूरे सिस्टम के अगेंस्ट में खड़े होना एक बहुत ही जीदारी वाली बात है, जो कि सर ने किया और करके दिखाया। तो मेरा पहला सवाल सर से ये होगा, अच्छा हम लोग 3-4 सवाल पूछने के बाद ओपन टू मंच करेंगे, आप लोग जितने भी आपके मन में सवाल हैं आप उनको पूछिएगा और सर को जवाब देंगे। सर मेरा पहला सवाल ये है कि आपने 90 के दशक में अपने चरम से लेके वर्तमान युग तक के अपराध परिदृश्य से निपटा है, वर्तमान समय की तुलना में उस समय आपको ये कितना कठिन लगता था क्राइम को कंट्रोल करना? हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद अरिंदम जी, धन्यवाद प्रताप जी का, उनकी टीम का, जिन्होंने इतना बढ़िया ये आयोजन किया है, ये तीसरा आयोजन है। धन्यवाद नई पीढ़ी की नई फसल का जो आज यहाँ मौजूद हैं और लिटरेचर में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं। इसके पहले का भी सत्र मैंने सुना था, तो सभी आयोजकों का, छात्रों का, छोटे भाइयों का, बहनों का, गुरुओं का, गुरुजन अगर कोई हैं तो मैं उनको चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। और अरिंदम जी ने जो सवाल पूछा कि पहले और अब के सिनेरियो में, अपराध में, सामाजिक जो अपराध हैं या घोर अपराध हैं, हीनियस क्राइम है, उसमें क्या अंतर है? देखिए 90 का दशक जब मैंने नौकरी शुरू की वो
पुलिस के लिए बड़ा ब्लैक चैप्टर कह सकते हैं आप उसे, बड़ा चुनौतीपूर्ण। और वही समय था जब अपराध अपने बिल्कुल चरम पर था, प्रदेश में भी बल्कि पूरे उत्तर भारत में। उसके तीन चार कारण थे। पहला कि हमारे पास कोई मॉडर्न गजट नहीं थे जो आज की तारीख। दूसरा, एफआईआर लिखाने से लेकर ट्रायल तक सब मैनुअल था। आप थाने पर कोई भी एफआईआर लिखाने जाए, बोल के लिखाए या तहरीर दे के लिखाए, मुंशी जी उसको हाथ से लिखते थे। नए लोग तो अब जो भी एफआईआर की कॉपी देखते होंगे वो सब कंप्यूटराइज्ड है। सीसीटीएनएस एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक, गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक एफआईआर का फॉर्मेट एक जैसा है। कहाँ पर सेक्शंस लिखे जाएंगे, कहाँ पर अपराध ब्रीफ में लिखा जाएगा, कहाँ जो जिनके विरुद्ध लिखाया गया है उनके नाम होंगे, कहाँ पर किसने लिखाया है उनके नाम होंगे। यानी भाषा कोई भी हो, अगर आपके सामने कोई एफआईआर आएगी तो आप उसमें अपनी जगह पर, मैं पुलिस वाले के लिए कह रहा हूँ, देख लेंगे कौन कौन से सेक्शन हैं, अंदाज लग जाता है क्या रहा होगा। और पहला सवाल जो एफआईआर लिखते समय इंस्पेक्टर या प्रभारी कहते थे, पूछते थे कि घटना के गवाह कौन कौन है, तो लिखाने वाला ही गवाह भी बताता था। आप समझ सकते होंगे कि वो किस तरह के गवाह को उसमें नाम दिया करता होगा। वो गवाह घटना के समय था या नहीं था इससे कोई मतलब नहीं। घटना के दिन वो दिल्ली में था, कलकत्ता में था, कोई चेक करने का कोई साधन नहीं था। आज अगर कोई बताता है कि साहब मैं फला जगह था या घटना के समय मैं वहाँ मौजूद था या निकल रहा था, उसकी सीडीआर से कंफर्म हो जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। सीसीटीवी से कंफर्म हो जाएगा, अब तो सीसीटीवी का जाल हो गया। मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना बताऊँ लखनऊ की। मैं लखनऊ में सीईओ हजरतगंज पोस्टेड था और महानगर के एक बड़े बाजार में ज्वेलर्स की दुकान है। कानपुर से जो उसके डिजाइनर थे वो आते थे हर शुक्रवार या शनिवार को और ज्वेलर्स के यहाँ वो डिज़ाइन देते थे, पिछली डिज़ाइन का पैसा लेते थे, नए का ऑर्डर लेते थे और चले जाते थे। वो कानपुर से आए और एक बड़े ज्वेलरी शॉप के सामने गाड़ी, उन्होंने बड़ी गाड़ी उनकी वो खड़ी की, उनका मुंशी उतरा, ड्राइवर उतरा। इसी बीच तीन बदमाश आए, उन्होंने उनको गाड़ी के भीतर ही गोली मार दी। जो कैश उनके पास था, जो ज्वेलरी उनके पास थी, वो ले गए। ये बात शाम के 6 बजे, भारी भीड़ थी, बड़ी बाजार है। और 3 दिन तक पुलिस ये कोशिश करती रही कि कोई सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। ये बात 98 की है, लेकिन एक भी सीसीटीवी फुटेज, कैमरा ही नहीं लगा था। ज्वेलर्स ने अपने शॉप में जहां उनका कैश काउंटर होता है उसके ऊपर अपने काम से लगवा रखा था, कोई नहीं था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। जब हम लोगों ने सर्विलांस शुरू किया उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन के वो इंटरसेप्ट करना था। टेलीफोन के खंभे होते थे, उसमें डीपी बॉक्स होता था, डीपी बॉक्स में से उस नंबर के तार निकाले जाते थे, एक छोटा टेंट लगाया जाता था एज इफ कि ये टेलीफोन बनाने वाले हैं, और उसके नीचे बैठ के हम लोग पैरेलल में सुनते थे। मैं भी था, मेरे उस समय जो एसपी सिटी थे सत्येंद्रवीर सिंह वो भी सुनते थे, और एसएसपी थे अरुण कुमार साहब जो इस समय अभी रिटायर हुए हैं डीजी आरपीएफ होके, वो भी वहीं सड़क के किनारे टेंट के नीचे बैठ के सुनते थे। इतना कठिन था। और अपराध दर पारात होते गए। आप अपराध का ये समझें कि 90 की के समय के जो लोग हैं, मैं नाम लेने में कोई मुझे हिचक नहीं है, जितने अपराधी राजनीति में आए या राजनीतिक अपराधी जिन्हें आप कहते हैं या आपराधिक राजनीतिज्ञ जिन्हें कहते हैं, इनकी सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री 90s की है। दो उदाहरण मैं बताऊंगा। एक, मुख्तार अंसारी को सब जानते होंगे,
40 साल के अपराध के बाद किसी भी मुकदमे में सजा नहीं हुई थी, अब अभी पिछले साल से सजा होना शुरू। दूसरा अतीक अहमद, 30 साल के अपराधी के इतिहास में कभी सजा नहीं हुई। अब आप सोच लें कितना कठिन समय रहा होगा, पुलिस कैसे परसू करती थी, कैसे पैरवी करती थी, कैसे ट्रायल में पार्टिसिपेट करती थी, कैसे गवाहों को ला पाती थी, और इन लोगों का रसूख इतना था, इनका इनका दंभ कह लीजिए, कि अगर तो वो मान गया गवाह बाहर तो बाहर मना लिया, वो कोर्ट तक गया नहीं, और अगर उसने जिद की तो मारा गया, कोर्ट तक पहुंच नहीं पाया, इसीलिए कभी इस सजा। तो बहुत ही कठिन समय था। अब जो हमारे गैजेट्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने बहुत काम आसान कर दिया है। आज मोबाइल फ़ोन है, जीपीएस है, आज सीसीटीवी है, ये कैमरे हैं। जो फॉरेंसिक के फील्ड के लोग होंगे, पहले डीएनए टेस्ट कराने के लिए आपको साल साल भर इंतज़ार करना पड़ता था 90s में। आपने भेज दिया आगरा के, और फिर एक साल बाद आपको डीएनए की रिपोर्ट। अब इस समय डिस्पोजेबल डीएनए किट हर जिले की फॉरेंसिक लैब में, बच्चे जो यहाँ होंगे फॉरेंसिक साइंस में जरूर होंगे, बड़ी यूनिवर्सिटी है, डिपार्टमेंट भी होगा, तो अब वो आपको डिस्पोजेबल किट मिलती है, आप तुरंत उसका उसको टेस्ट कर सकते हैं। पहले अरविंदर साहब बहुत वो पीरियड बहुत ख़राब था पुलिस के लिए, सुविधा नहीं थी, साधन नहीं थे, और अपराध बिल्कुल चरम पे था, सबसे ऊपर था। मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के अभाव में सिर्फ दृढ़ निश्चय जांबाज पुलिस अफसरों के ही काम आते होंगे, और आज समय के साथ इस दृढ़ निश्चय के साथ टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे ख्याल से ये सत्र फॉरेंसिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए था, और मैं अगर फॉरेंसिक स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे कोई बैठे हों तो मैं उनसे बोलूँगा कि सत्र के टुवर्ड्स दी एंड प्लीज़ पुट योर क्वेश्चंस टू सर, कि और क्या क्या वो लोग, जैसे कि वो अपने कोर्स को और उम्दा बना सकें। सर, इसी को आगे ले जाते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि उस समय से लेकर अभी तक यूपी बड़े पिछड़े शहरों में होता था, और अब ये इंडस्ट्रियली बड़ा अग्रसर होता जा रहा है, तो आप लोगों का जो ये प्रयास रहा क्राइम कंट्रोल का, इसका यूपी के इंडस्ट्रियलाइजेशन और राज्य के दूसरे विकास में किस लेवल का योगदान इससे रहा है, इस पे थोड़ा। देखिए, किसी भी प्रदेश का या देश का विकास वहाँ होने वाले इन्वेस्टमेंट से होता है। देखिए, हमारा तो कृषि प्रधान देश है, बुंदेलखंड में कृषि ही कृषि उस जमाने में भी थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कृषि कृषि थी, बाहर के लोग आके वहाँ इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अपराध का ये हाल था कि लखनऊ का जो सबसे बड़ा बिल्डर था उस समय, मूल राज अरोरा, प्रकाश ने उसको उसके चैम्बर से दिन में 12 बजे किडनैप कर लिया और रैंसम लिया। सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश का मेडिसिन की सप्लाई की जो एजेंसी थी, सोलोमन एंड सोलोमन, उसके मालिक को किडनैप करना था, गोली मार दी उसे, वो मर गया, के रस्तोगी और उनके छोटे बेटे कुणाल रस्तोगी को किडनैप करके ले गए, उनसे भी रैंसम लिया। जहां इस तरह की घटनाएं हों वहां कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन आएगा इन्वेस्ट करने यहां? जब तक इन्वेस्टमेंट के लिए आप माहौल नहीं बनाएंगे, बाहर से जो आदमी, आप तमिलनाडु से, केरला से, या कहीं से भी अगर वो आके कोई इंडस्ट्री यहाँ जो उसकी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है वो लगाना चाहेगा, तो उसे आप सुरक्षित नहीं करेंगे, उसे सब व्यवस्था नहीं देंगे, तो कैसे वो आएगा? यही वो दौर था कि यहाँ जैसे इलाहाबाद की ITI बंद हो गई, JK जो ये कपड़े बनाते थे कानपुर की वो बंद हो गई, रामपुर की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, यही वो टाइम था, क्योंकि इतनी रंगदारी, इतनी गुंडई, छोड़ छोड़ के लोग भाग गए। उसी दौर में जब ये मैं बता रहा था श्री प्रकाश का, देखिए ये पहला ऐसा वाकया है देश में
कि एक क्रिमिनल को मारने के लिए पुलिस की एक मारने के लिए अरेस्ट करने के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पुलिस की यूनिट बनाई गई। कल्याण सिंह जी, श्रद्धेय कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, ये उनका ये सब काम आप जानते हैं, जिसके अंदर विल हो, पॉलिटिकल विल हो, अदरवाइज विल हो, वही कर सकता है। और उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि उनके भी मारने की सुपारी ली गई, ऐसा उनको बताया गया। अजय राज शर्मा साहब ने अपनी किताब बाइटिंग द बुलेट में लिखा है कि वो 2 महीने पहले ही यहाँ से गए थे लखनऊ से पोस्टिंग पे सीतापुर, उन्हें वापस बुलाया गया। कल्याण सिंह जी ने कहा कि भाई मेरी भी मारने की सुपारी, इस आदमी के लिए कुछ करना होगा, एक हम यूनिट बना देंगे। दूसरा उदाहरण है वीरप्पन के लिए, अकेले वीरप्पन के लिए एसटीएफ की एक यूनिट बनाई गई थी साउथ में। तो ये पहला उदाहरण था, आप उससे अंदाज लगाएं कि क्या सिचुएशन रही होगी क्राइम की, और क्यों विकास नहीं हो पाता था, क्यों इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करते थे। जो भी इन्वेस्टर आया, उन्होंने कहा साहब आप ये कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, 50 लाख रुपए दे जाइएगा, नया आपका लड़का उठ जाएगा। बुंदेलखंड तो फिर भी बहुत शांत रहा उस जमाने में भी, मुझे बहुत बार नहीं आना पड़ा यहाँ एसटीएफ और एटीएस की तैनाती के दरमियान। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अपहरण एक उद्योग था वहाँ, कोई दिन नहीं था जिस दिन कोई न कोई बड़ा आदमी, मैंने ऑलमोस्ट सभी अपहरण के उस समय के जिसमें एसटीएफ इन्वॉल्व हुई थी, उन सारे किडनैपिंग का इसमें जिक्र किया है अपनी किताब वर्चस्व। तो इसलिए अब फर्क पड़ा है उसका, अब ट्रायल अच्छे हो रहे हैं, अब अपराधी पकड़े जा रहे हैं, प्रॉपर एविडेंस मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिल रहे हैं, फॉरेंसिक एविडेंस मिल रहे हैं, जिससे किसी के, जैसे हम भी अगर चाहें कि नहीं साहब ये एविडेंस कोर्ट में ना पहुंचने पाए, ये गवाह कोर्ट में ना पहुंचने पाए, तो ऐसा नहीं है कि ट्रायल सिर्फ उसी गवाह पर निर्भर करेगा। मैं बच्चों आपको एक छोटी सी घटना बताऊं जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत में एक बच्ची जो यूनिवर्सिटी में नई नई गई थी, नाम था उसका ग्रीष्मा वोकारिया, वो यूनिवर्सिटी से घर के लिए निकली, एक लड़का उसके पीछे, उसका पीछा किया करता था, स्कूल में भी उसके पीछे था, और जब कॉलेज पहुंची वो तब भी वो उसके पीछे पीछे। शाम को 4 बजे उसके घर पे उसने कॉल बेल दबा दी। उसके चाचा निकले, उनसे पूछा ग्रीष्मा कहाँ है, उन्होंने कहा अभी भी आई है, चेंज कर रही होगी। उन्होंने कहा बुला दो, लड़के ने कहा बुला दो, चाचा ने कहा कि भाई क्या ऐसी बात है, तुम अभी क्यों उससे मिलना चाहते हो। एक चाकू निकाला, चाचा को चाकू मार दी उसने। शाम को 4 बजे की बात है, भीड़, सूरत शहर के बीच की बात है। चाचा उनके भीतर गए, वो लड़की बाहर आ गई, उसका गिरेबान पकड़ा उस लड़के ने, और वहां से करीब 50 कदम आगे ले गया, एक पार्क है, पार्क के कोने में, वीडियो उपलब्ध है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत विचलित करने वाला वीडियो है, लेकिन है। वहां उसको खड़ा किया, गले पे वो चाकू लगाया जिससे चाचा को मारा था, और ये कहा कि परिवार वाले सब लोग आ जाए, अभी शादी के लिए हाँ कहनी, मार दूंगा। लोग इकट्ठा होते गए, ये ड्रामा पूरा 7-8 मिनट चला, 300 लोग वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन सब वीडियो ही बनाते रहे, किसी ने भी कंट्रोल रूम को फोन करके ये बात नहीं बताई। और 7-8 मिनट बाद उसने चाकू से उस बच्ची का शाम के समय पूरे उजाले में गला काट दिया, शी डाइड ऑन द स्पॉट। पिछले साल की बात है, सूरत की। उसका जो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, प्योर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी हुई, 150 लोगों से वो वीडियो इनवाइट किए गए, जिस फोन से वो वीडियो लिए गए थे उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया कि इसी मोबाइल से ये वीडियो लिए गए हैं, जो नंबर थे उसका CDR निकाला गया कि आप उस समय वहां मौजूद थे कि नहीं थे, और उनका 2 लाइन का बयान। 3 महीने में उन्होंने 800 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज सूरत ने उस लड़के को कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा दी। ये पिछले नवंबर या अक्टूबर की बात है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में इतनी ताकत है, और अभी उसका लेटेस्ट जो अपडेट आया है,
हाई कोर्ट में जमानत के लिए लोग गए थे, हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि इतनी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बाद, इतने फॉरेंसिक एविडेंस के बाद इसे छोड़े जाने का कोई तुक नहीं है। पहले के जमाने में यही मर्डर हुआ होता, 5 आदमी ढूंढे जाते, कौन मौके पे था, कौन नहीं था, किसने सुना किसने नहीं सुना, फिर जब गवाही की बात आता ही तो उनके घर वाले मना कर देते, या जिस पक्ष का मुलजिम है वो उनको डराता धमकाता पैसे देता और तब भी नहीं मानता तो उसे अदालत तक न जाने देता। तो ये चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा कि हमारे यहाँ के जितने भी फॉरेंसिक साइंस के बच्चे हैं उनको इसके लिए बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए कि सर जो बोल रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सर को फैंटेसाइज करते हुए बहुत सारी मूवीज बनी हैं और बहुत सारे टीवी सीरियल बने हैं सर के किरदार से प्रेरित होके, जिसमें से एक मूवी मैंने भी बहुत पहले देखी थी सहर करके, जिसमें अरशद वारसी थे। और मुझे अभी भी याद पड़ता है कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल अपने नेसेंट स्टेज में था और किस तरीके से वो पंकज कपूर के कैरेक्टर में एक नए नए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को पूरी आपकी पुलिस टीम साथ साथ लिए घूमती थी जो टेक्नोलॉजिकल वो देते थे, और आज की डेट में वो टेक्नोलॉजी हैंड इन हैंड है। सर एक बात बताइए कि ये तो आप लोगों के पास लिमिटेड संसाधन थे, इसके अलावा मैं समझता हूँ पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता होगा आप लोगों को एक स्टेप के बाद आगे स्टेप उठाने में। देखिए आप उसको इससे समझें कि 90s में बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ करते थे और बूथ कब्जा करना या बूथ लूट लेना, ये जो टर्मिनोलॉजी है उसी पीरियड की है, और छोटे छोटे छुटभैये गुंडे किसी को 7 बूथ का, किसी को 10 बूथ का, किसी को 50 बूथ का, वो कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, लूटते थे, और जिसके लिए वो लूटते थे वो जीत जाता था। 2 इलेक्शन के बाद इनको लगा कि जब ये हमारी वजह से जीत रहा है तो हम क्यों ना इलेक्शन लड़ें, और इसी यही क्रिमिनल उस समय इलेक्शन लड़े, विधानसभा पहुंचे, लोकसभा पहुंचे। तो इनके लिए क्या पॉलिटिक्स, क्या पॉलिटिकल आदमी और क्या पॉलिटिकल संरक्षण, जो खुद ही क्रिमिनल हो, जो क्राइम के हर स्टेज से गुजरा हो, तो फिर जो अच्छे पॉलिटिकल लोग भी थे तब भी थे अब भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी गुंडे बदमाश थे, तो वो उनसे किस तरह कम्युनिकेट करते होंगे, क्या उनसे आप अंदाज लगा सकते हैं। वो बेचारे तो खुद ही सोचते होंगे पता नहीं ये क्या कर देगा कल को, जब वो खुद बैठ गए ऐसी जगह पे जहां पे वो कानून बनाने लगे तो उन्हें किस संरक्षण की जरूरत है, खुद ही है। शहाबुद्दीन ने पूरे बिहार का क्या से क्या कर डाला, कुछ नहीं हुआ। यहां उत्तर प्रदेश में लिस्ट कम नहीं है, वीरेन शाही, हरशंकर तिवारी, श्री प्रकाश शुक्ला और अतीक और जाने कौन कौन, कोई कमी नहीं है। सर मतलब उस समय से 90 के दशक से लेकर अभी तक देखें सिनेरियो को तो बोला ये जाता है कि क्राइम आप स्टॉप नहीं कर सकते, इसमें आपका क्या मानना, क्योंकि नेवर स्टॉप अ क्राइम। नहीं ऐसा नहीं है कि क्राइम, जैसे हत्या के लिए मैंने आज तय कर लिया कि हम अपने भाई को मारेंगे, पुलिसिंग में दसियों तरीके हैं, प्रिवेंटिव अरेस्ट का है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम का है, जिसे आप लोकल भाषा में 107-16 इस तरह से कहते हैं, बाउंड डाउन करने का है। तो कहा यह जाता है कि आप उसे उस समय आपने रोक लिया, आप डिले कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। दूसरे जैसे लूट है ये बिल्कुल रुक सकती है, आज के जैसे 112 है आपका, हमारा रिस्पांस टाइम एवरेज 9 मिनट है, शहरों में 7 मिनट है और देहात में 10 मिनट या 12 मिनट है। उस जमाने में शिकायत पुलिस की यही थी और अखबार लिखते थे कि हमेशा की तरह पुलिस देर से पहुंची, 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इतनी मदद की कि आप 112 अभी डायल करिए कि साहब यहाँ बाहर झगड़ा हो रहा है, 5-7 मिनट में कोई ना कोई अटेंड करने के लिए आ जाएगा। तो देखिए चेंज बहुत हुआ है, चेंज में कमी नहीं है, और अगर वो तुरंत आ गया तो हो सकता कोई बड़ा हादसा टल जाए। कुछ क्राइम है जिनको बिल्कुल रोका जा सकता है,
मैं बता दूं डकैती ऑलमोस्ट नील हो गई है पूरे प्रदेश में, पूरे नॉर्थ इंडिया के बेल्ट, क्योंकि अगर गांव में किसी के यहाँ डकैत क्या करते थे, गांव घेरते थे, दरवाजा फाड़ते थे, भीतर घुसते थे, उस जमाने में लोग जमीन में गाड़ के अपना गहना रखते थे, खोदते थे, उसको निकालते थे, 3-4 घंटे की प्रोसेस में लूट के चले जाते। और आज की तारीख में अगर बगल वाले के यहाँ हल्का फुल्का हल्ला भी हो रहा है तो पड़ोसी 112 पे फोन करके बता देगा कि साहब कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, और पुलिस आ जाएगी। इस वजह से जो अब जैसे हिट एंड रन क्राइम है वो तो बढ़े हैं, जो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन लंबा समय लेने वाले क्राइम ये बंद हो गए हैं। अच्छा सर, एकेडमिक्स, आप तो एकेडमिकली बहुत हाई हैं, तो एकेडमिक्स का एक अच्छी पुलिस क्या असर पड़ सकता है? आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं बता पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी कर रहे हैं, तो कई बार पढ़ते पढ़ते ये लगता है कि जैसे मैं MBA कर रहा हूँ, अब मैं MBA कर चुका हूँ तो मैं कैसे जा सकता हूँ, या मैं मास्टर्स इन फिजिक्स कर रहा हूँ तो मैं इसमें कैसे जा सकता हूँ, तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा रोशनी डालें सर, एकेडमिक्स का पुलिसिंग के ऊपर या पुलिस करियर पे क्या असर हो सकता है? देखिए, जो बच्चे हमारे तैयारी करते हैं उनके दिमाग में एक सपना है कि हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे, IAS में, IPS में। देखिए, अब तो ऐसा बड़ा मुश्किल है कि हम चाह लें कि नहीं साहब हम IPS या PPS में ही जाएंगे, तो इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ चॉइस, इट इज़ अ मैटर ऑफ लक, कि आपके अगर सीरियल नंबर 50 पे आप पहुंचते हैं तो आपको PPS मिलेगा, 10 नंबर ज़्यादा मिल जाता तो PCS मिलता, या सिविल सर्विसेज में 15 नंबर ज़्यादा मिल जाता तो IAS मिल जाता। लेकिन सपना है बच्चों का, और लोग सोचते हैं कि नहीं साहब अगर हम पुलिस में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे, ज़्यादा अच्छा सर्व कर सकते हैं। उसका आपकी बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं, आपकी बैकग्राउंड पुलिसिंग में काम आ सकती है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसी ने मान लिया इसी यूनिवर्सिटी से किया है, वो अगर ये कहे कि नहीं साहब पुलिसिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या काम है, सवाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का नहीं, आपके एनालिटिकल माइंड का है। आपका जो एनालिटिकल माइंड है, जो बच्चे BA कर रहे हैं, जो MA कर चुके, या जैसे मैंने नेट क्वालिफाई किया, JRF रहा, SRF रहा, रिसर्च एसोसिएट रहा, IRI पूसा इंस्टीट्यूट में, पेपर्स हमारे पब्लिश हुए, लेकिन समाज का जो प्रेशर है, घर का जो प्रेशर है, क्या करेंगे भाई, तो हमारे गांव में किसी ने, हमारे बड़े ने, बुजुर्ग ने पूछा भाई अब क्या कर रहा है ये, तो उनको बताया गया कि सब रिसर्च कर रहा है, इसके बाद ये प्रोफेसर होगा। कुछ कह रहे हैं भाई, अच्छा तो प्रोफेसर होगा, उनकी समझ में नहीं आया, तो जो थोड़ा पढ़े लिखे थे उन्होंने उनको समझाया कि बड़े स्कूल में मास्टर होगा। अब मैं भी था वहां मौजूद उस समय जब ये बताया जा रहा था, तो ये बात थोड़ी सी, जिसको आप कहते हैं कि समाज तो दरोगा को ही बड़ा मानता है, आप कितना भी पढ़ लिख लें, तो वो दबाव था कि मैंने रिसर्च भी छोड़ी, इंस्टीट्यूट भी छोड़ा, इलाहाबाद लौट आया, अपने दोस्तों के साथ तैयारी शुरू कर दी। और अब तो इतने ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस हैं बच्चों के पास, और अगर आपका दृढ़ निश्चय है तो आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे, बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं। अरिंदम जी, एक बहुत, मैं जो स्टॉक्स में अभी गया था एक पॉडकास्ट में, वहां रमेश यादव नाम के एक IRS अधिकारी आए, वो 2009 बैच के IRS हैं और इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं। यही सेम सवाल वहां मॉडरेटर ने पूछा कि साहब आपका क्या बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड से क्या फर्क पड़ता है, तो उन्होंने अपनी बात बताई, वो आप नेट पे ढूंढेंगे मिल जाएगा, वो जो स्टॉक्स पॉडकास्ट, उन्होंने बताया कि साहब मैं हाई स्कूल में मेरे 47% थे, इंटरमीडिएट में मेरे 52% थे गांव के स्कूल में, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आए, BA भी किसी तरह से पास किया,
घर वालों ने जोर जबरदस्ती भेजा मुखर्जी नगर जाओ, आईएएस की तैयारी करो। बस वहाँ बच्चों से बात करते करते कुछ बातें चुभ गईं और उन्होंने तैयारी शुरू की। सेकंड अटेम्प्ट में ही वो आईआरएस हो गए। आज की तारीख में वो दिल्ली में पोस्टेड हैं। उनकी हिस्ट्री तो मेरे कहने का आशय ये है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है। कंपटीशन सबके लिए ओपन है, आर्ट्स वाले भी, साइंस वाले भी, बायो वाले भी, इंजीनियरिंग वाले भी, और आर्ट्स के तमाम एमिनिटीज़ के जो और सब्जेक्ट हैं उसके लिए भी। आपका एनालिटिकल दिमाग वो एग्ज़ाम में भी काम करेगा और आप जहां जाएंगे वहां भी काम करेगा। जैसे उसका मैंने जो ये, चूंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बॉटनी से एमएससी हूं, मेरा इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है। मोबाइल फ़ोन शुरू हुए 4 मई 1998 को उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ईस्ट सर्किल थी, झांसी भी शायद ईस्ट सर्किल में आता है, पता नहीं, कोई बता सकता है? ईस्ट वे सर्किल हैं, ईस्ट में ही आता है। उसमें दो ही मोबाइल फोन थे, उषा फोन और एसआर फोन। अपराधियों ने यूज करना शुरू किया, बहुत महंगा था, 27 रुपये पर मिनट आउटगोइंग था और 10 रुपये पर मिनट इनकमिंग था, इतना महंगा था मोबाइल उस। लेकिन क्रिमिनल क्रिमिनल है, वो इस्तेमाल करने लगा। अब ये संकट हुआ कि वो CDR मांगी जाए कि साहब क्या लोकेशन है, उसमें लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को कैसे डी कोड किया जाए, कितनी देर की, इंटरनेट नहीं थे उस समय, कितनी देर की बात हुई है, कहाँ से बात हुई है, किस टावर से कनेक्ट होके बात हुई है, ये सब चीज़ें थीं। और अरुण कुमार साहब ने कहा भाई हमारे भी बस का नहीं है, सत्येंद्रवीर सिंह साहब ने कहा हमारे भी बस का नहीं है। मैं बहुत जूनियर था, डिप्टी SP था, मुझसे कहा गया कि भाई इसको देखो। और धीरे धीरे शुरू किया जब मैंने, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में सर्विलांस की शुरुआत मैंने की। इंडिया टुडे का एक अंक है, मीरा राडिया टेप्स पे जब बहुत बवाल हुआ तो 22 दिसंबर 2010 के अंक में इंडिया टुडे ने हिस्ट्री ऑफ टेलीफोन टैपिंग इन इंडिया करके एक टेलीफोन टैपिंग की हिस्ट्री निकाली। उसमें ये फैक्ट दिया हुआ है कि जो पहला मैकेनाइज सर्विलांस शुरू हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस में, वो मेरे नाम से लिखा हुआ है उसमें। तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आई, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे पैर उसने जमाने शुरू किए, लेकिन तब तक बहुत नुकसान कर चुके थे। हम लोग अब भी मानते हैं कि 90 का दशक पुलिस के लिए, कहीं की पुलिस हो, वो बड़ा काला कालखंड था और इन अपराधियों का वो स्वर्णिम युग था। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने 2 किताबें भी लिखी। जी लिखी हैं। आप एडवोकेट हैं, करते हैं क्रिमिनल लिटरेचर। जी सर, का मानना है कि हर प्रकार के लिटरेचर है, लेकिन क्रिमिनल लिटरेचर मतलब जो क्राइम है, जो जो अपराध का साहित्य, अपराध का साहित्य, वो उसमें बहुत कमी है। तो सर इसको पूरा करने में क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और इसमें जो साहित्यिक युवा हैं क्या वो आगे आ सकते हैं? देखिए, साहित्य और खासकर हमारा साहित्य बहुत रिच रहा है, बहुत हमारे जो पुराने साहित्यकार थे, लाइब्रेरी में हम जिन किताबों को पढ़ते थे, लेकिन अपराध साहित्य बहुत ज़्यादा न रिच रहा, न बहुत अच्छा इसका रेडिएशन रहा। अब ये पता लगता है, पहले तो ये था प्रकाशक के यहाँ गए, उन्होंने किताबें बेची, और जैसे मैं आपको कोट कर रहा था, आपको बता रहा था, वेद प्रकाश शर्मा ने एक अपराध पर उपन्यास लिखा, वर्दी वाला गुंडा। उस जमाने के लोग शायद जानते हों, या आप सर्च करिएगा तो देखेंगे। उसकी 15 करोड़ प्रतियां बिकी थी, इतना क्राइम पढ़ाया था। अब तो देखिए सब चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, आप कभी भी व्यूज पर, जो उसका वॉच टाइम है उस पर, सब्सक्राइबर्स पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जो सब्जेक्ट है वो 3C कहते हैं हम लोग, क्राइम, क्रिकेट और कॉमेडी। क्राइम आज भी बहुत देखा जाता है। देखिए जो साहित्य आप पढ़ते हैं,
पुराने जितने अमृतलाल नागर से, प्रेमचंद जी से लेके और सब, उसने सामाजिक जो परेशानियां हैं उस पर लिखा है। ज्यादातर उपन्यास वो जो लिखे गए हैं वो प्रेम, मोह, क्षोभ, विक्षोभ, इन सब पे लिखे गए हैं, जिसको आदमी दिल से पढ़ता है और अपने आप को रिलेट करता है उससे। किसी को कुछ बहुत अच्छा लगता है, किसी को कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन है सब वो ऐसा जो दिल से पढ़ा जाता है। अपराध का साहित्य दिमाग से पढ़ा जाता है। जो पहला अपराध साहित्य हमारी हिस्ट्री में है वो बाबू देवकी नंदन खत्री का भूतनाथ, और बाकी जो उनके हैं जिनके लिए कहा जाता है कि इसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी, और जब इसके एडिशन इलाहाबाद के प्रकाशक के यहाँ से निकलते थे तो लाइन लगा के लोग खरीदते थे। उसमें जासूस शब्द का इस्तेमाल नहीं था। जासूस को वो अय्यार उन्होंने लिखा है, लेकिन वो इतना पढ़ा गया कि शायद अगाथा क्रिस्टी, मेरे पास रिकॉर्ड तो नहीं है उतना कि अगाथा क्रिस्टी को कितना पढ़ा गया होगा, लेकिन बाबू देवकी नंदन खत्री को, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति उनकी, वो बहुत पढ़ी गई। पहला उपन्यास जो हिंदी में रिच साहित्य जिसे कहते हैं वो गहमरी ने लिखा, मोहनलाल गहमरी शायद उन्होंने लिखा, जिसमें अय्यार की जगह उन्होंने जासूस शब्द का प्रयोग, गोपाल राम गहमरी जासूस शब्द इस्तेमाल किया अय्यार की जगह। ये पहला उपलब्ध अपराध का साहित्य है जिसमें जासूस शब्द को, मतलब है तो सब वो फिक्शन लेकिन लिखा अपराध के इतिहास। उसके बाद फिर लाइन लग गई, वेद प्रकाश कंबोज, वो वेद प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, ढेर सारे कर्नल, हम लोग अपने जमाने में कर्नल रंजीत के उपन्यास का इंतजार करते थे कि कब आएगी वो। उसमें एक मेजर बलवंत हुआ करते थे, वो मौके पे पहुंच जाते थे और वो फिर कैसे कैसे पता करके अपराधी तक पहुंचते थे। वो भी अपराध साहित्य था, लेकिन पुलिस वालों का लिखा हुआ कोई अपराध साहित्य, राय साहब हमारे एक रिटायर्ड डीजी हैं जिन्होंने कर्फ्यू लिखी थी, उनके सिवा किसी ने नहीं लिखा। मेरा ये मानना है, जैसे जितने बड़े ददुआ हुआ यहां मारा गया, उसके ऑपरेशन में क्या हुआ था, कितनी दिक्कतें आई थी, उसके किसी ने उसका मेमोयर नहीं लिखा अभी तक। फूलन देवी पे इतनी मूवीज बन गई लेकिन किसी ने मेमोयर नहीं लिखा। बहुत बड़े बड़े अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई, किसी ने मेमोयर नहीं लिखा। तो मेरा ये मानना है कि अपराध का साहित्य ये पुलिस वाले अपने संस्मरण में लिखें या पुलिस के नज़दीक जो है वो लिखे, और पढ़ा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी देख लीजिए जो टीवी में सावधान इंडिया और सीआईडी, ये सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सीरियल्स हैं। सास भी कभी बहू थी रहा होगा कभी, लेकिन वो तब भी था और आज भी है। इससे कम से कम आदमी को अपने इसका पता लगता है कि आपराधिक मानसिकता क्या होती है, क्यों उसके मानस पटल पे अपराध करने की बात आती है, कौन सी परिस्थितियां हैं कि वो अपराध की तरफ जाता है। हो सकता है आपके इस लिखने से, आपके इस बताने से किसी एक का, किसी दो का अपराध से मन उचट जाए या वो अपराध की तरफ ना जाए। इसलिए अरिंदम भाई, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, सारे मंचों से कहा हूँ, इस बीच में पिछले दो महीने में 4-5 बुक फेस्टिवल में गया भी हूँ, कि साहब लिखना चाहिए अपराध, अपराध को अछूता नहीं मानना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ सर, और मेरा इसमें एक चीज़ और जोड़ना है कि अभी तक जितने नाम आपने लिए वो सब हम लोग फिक्शनल कैरेक्टर्स को पढ़ते थे, सब, और यहाँ पे हमारे सामने सजीव रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा ये भी होने वाला अगर इनको हम लोग डॉक्यूमेंटेड करके लिखें तो, जैसे इंडियन आर्मी में बहुत सारे वॉर हिस्ट्रीज आज से सैकड़ों सालों से लिखे आ रहे हैं, और आज भी 400, 500, 600 साल पहले वॉर कैसे हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ,
वो आज भी आर्मी ऑफिसर्स को पढ़ाया जाता है, वो एक्सटेंसिवली इसको पढ़ते भी, तो इससे क्या है वो शोध करते हैं और अपने आगे की स्ट्रेटेजीज को बनाते हैं, दिस इज वन। और सेकेंडली जो जो यूथ है जो इससे रिलेटेड जैसे फॉरेंसिक है के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इनको पढ़ के मैं समझता हूँ एज ए केस स्टडीज उनके लिए बहुत मुफीद हो सकता है। देखिए मैंने इसीलिए एक क्राइम का एक प्रोग्राम शुरू किया यूट्यूब पे, बच्चे देखते हैं, आईएएस के एस्पिरेंट्स देखते हैं, पीसीएस वाले देखते हैं। अभी एक लड़का आया था उरई से मिलने के लिए, अभी बिल्कुल आया था एक सज्जन उरई से मिलने आए, सिर्फ मैं जानता नहीं हूं उनको, मेरे सब्सक्राइबर रहे होंगे। तो अपराध क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी, पुलिस को क्या करना चाहिए था, पुलिस ने नहीं किया, इन सब चीज़ों पे मैं उस पर डिस्कशन करता हूँ 20-22-25 मिनट का, और करीब 1000 वीडियो उसके हो गए हैं। फिर क्या नाम है सर आपके सीरीज का? किस्सा गोई। किस्सा गोई, हाँ किस्सा गोई, ये स्टोरी टेलिंग है प्योर क्राइम की और रियल क्राइम की। ये बड़ा समझने वाली बात है, किस्सा गोई करके सर का डिजिटल प्लेटफॉर्म में करीब 1000 एपिसोड्स हैं जिसमें रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में सर ने बताया है। तो उससे जो फीडबैक आता है, जो कमेंट आते हैं तमाम लोग, अब जैसे डकैती का जमाना चला गया, लूट और छिनेती का जमाना आ गया, एक बड़ा लेटेस्ट क्राइम है जो पिछले 15 दिन से शुरू हुआ है या 20 दिन मान लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, अभी कल और आज मैंने बताया है, बहुत ही गंभीर क्राइम है। 14 फरवरी को अलीगढ़ में हुआ, फिर उसके बाद 22-24 फरवरी को बदायूं में हुआ और 28 फरवरी को मिर्ज़ापुर में हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या करेगा ऊपर वाला जाने, लेकिन जो पूत के पांव पालने में दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छा नहीं है। एक व्यापारी को ये फोन आया कि आप फलां बोल रहे हैं, आपका बेटा रेप के केस में फंस गया है, हम उसकी लिखा पढ़ी करने जा रहे हैं, उसे बंद करने जा रहे हैं, किसी सीनियर पुलिस अफसर की आवाज़ में उसने बताया। उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा कैसे हो सकता है, बेटा तो हमारा ऐसा है नहीं। उन्होंने कहा ये लीजिए बेटे से बात करिए, बाप की बेटे से बात कराई गई और बाप ये पहचान नहीं पाया कि ये उसकी आवाज़ नहीं है। रोते हुए उसने कहा कि पापा गलती हो गई और हमें किसी तरह छोड़ा लीजिए, मेरा करियर खराब हो जाएगा, ये जो कह रहे हैं वो दे दीजिए। आधे घंटे का समय दिया गया, उसमें 3 लाख रुपए इन फ्रॉड करने वालों ने ले लिए एआई टूल की वजह से, एआई से जो आपकी स्पीच बिल्कुल उसी तरह कर लेते हैं। उसी में मैंने, आज वो अपलोड होगा, बरेली में बहुत लंबे समय पोस्टेड रहा, अभी 19-20-21 तीन साल वहाँ डीआईजी भी रहा और आईजी भी रहा, और बड़ा भारी कैंटोनमेंट एरिया है, आर्मी का बहुत बड़ा बेस है। वहाँ से जो रिपोर्ट हुए हैं केसेस की, किसी ने फोन किया कि भाई कल कहाँ थे, परसों कहाँ थे, सो दैट कि इनकी लोकेशन पता लगे। उसने पूछा कौन बोल रहे हैं, अरे बोल पहचान नहीं रहे, विंग कमांडर फला फला बोल रहा हूँ, आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी। मजबूर हो गया वो मानने के लिए कि नहीं विंग कमांडर जानना चाहते हैं, उनको बताना है। फिर उसने कहा सर हम 10 मिनट में चेक करके बताते हैं। उसे पता नहीं क्यों ऐसा डाउट हुआ, कंट्रोल रूम को जो उनका कम्युनिकेशन का चैनल होता है उससे उनको कहा कि साहब विंग कमांडर साहब ने भी ये जो मुझसे पूछा है ये तो उनके पास भी होगा, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तो ये पता लगा विंग कमांडर साहब ने अर्जेंट मीटिंग सबकी बुलाई कि साहब उनकी आवाज़ नहीं थी, मतलब वो नहीं थे, उन्होंने कोई कॉल नहीं की। ये एक पिछले 1-1.5 महीने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ठगी, क्राइम और देश तोड़ने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही हैं, और इसको सबको समझना होगा, जागरूक करना होगा। पहले तो मोबाइल कोई मानने को तैयार नहीं था, साहब सुना जा सकता है। शुरू शुरू में मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग ऐप आता था, सामने वाले को उसकी बीप से पता लग जाता था कि साहब ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये पिछले 1 महीने की घटनाएं हैं, ये बहुत, इनका भविष्य बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। और इसके लिए भी खैर तोड़ हर चीज़ का है, इसका भी तोड़ निकलेगा, लेकिन जब तक निकलेगा तब तक सबको सावधान रहना होगा। सर आप जैसे पुलिस हीरोज को देख के हम में से सभी लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है, खास करते हैं कि हम भी इस करियर को चुनना चाहेंगे,
तो यहाँ बहुत सारे यूथ हैं जो आपसे प्रेरित होके या पहले से उन्होंने सोचा हो पुलिस को एज अ करियर बनाए, तो उनके लिए क्या कोई पोटेंशियल मैसेज देना चाहेंगे सर आप? देखिए, पुलिस में रह के आया, पुलिस जो आज जो कुछ भी हूँ मैं, वो इसी पुलिस की वर्दी की वजह से हूँ। आज यहाँ आया हूँ, या आज मैंने लिखा है, या किताबें लिख ली हैं, तमाम गैलेंट्री मेडल प्रेसिडेंट के मिले हैं, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में भी रहा मैं, केवल पुलिस की वर्दी की वजह से, पुलिस विभाग की वजह से। तो दूर से ये देख के कि साहब इसमें बड़ा भौकाल है, हम यहाँ से निकलेंगे वो सल्यूट करेंगे, सब डर जाएंगे, हम किसी को चाहेंगे मार देंगे, ऐसा नहीं है। एज ए पुलिस ऑफिसर आप जितना भला समाज का या लोगों का कर सकते हैं, दूसरी किसी भी सेवा में नहीं है। आप सड़क चलते किसी की मदद कर सकते हैं, आपका आपको लोग मानते हैं, पुलिस को माना जाता है, चाहे डर की वजह से चाहे सम्मान की वजह से। किसी बच्चे का एडमिशन कहीं नहीं हो रहा है तो कहा जाता है साहब एसएसपी से बात कर लीजिए, वो करा देंगे। थाने का एक दरोगा भी जाके जीत कर लेता है तो एडमिशन करा लेता है वो। किसी गरीब के बच्चे का, अच्छे बच्चे का, मेधावी बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है तो कानूनन सबके लिए जगह है, थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे मिल जाएगा, उसे जो मटेरियल चाहिए वो दिलवा दीजिए। तो आप कोई चीज, और सबसे बड़ा ये है कि पीड़ित को न्याय हमेशा, जैसे कानून की किताबें हैं या कानून के जो, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमेशा पुलिस कराती है, चाहे जो सेक्शंस हों आईपीसी के। तो अगर आप सही सही उसको इम्प्लीमेंट करा दें तो पीड़ित को न्याय में दिला सकते हैं, और वो जीवन भर आपको नहीं भूलेगा कि इनकी वजह से मुझे न्याय मिला है। मतलब हम सब लोग जो यहाँ सदन में बैठे हैं, मतलब आई थिंक वी आर रियली वेरी मच थैंकफुल कि सर की इतनी सारी उपलब्धियाँ एक के बाद एक सुनने के बाद जो एक मोटिवेशन आता है वो एक बहुत, मतलब इट्स अ ट्रेमेंडस मोटिवेशन। आपके यहाँ जितने लोग बैठे हैं, डज एनीबडी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन? किसी को कोई question? आप लोगों को अगर कोई सवाल पूछना है, जी आप बताएं। कोई अगर माइक दे दें सर को, दो चार सवाल। हाँ नहीं, ये तो देते रहे जी। हेलो, नमस्कार सर। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और मैं पीएचडी स्कॉलर हिंदी साहित्य का हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। सर, एक साहित्य रिसर्चर के तौर पे मैं आपने जो बात रखी कि क्राइम का जो साहित्य है, अपराध का जो साहित्य है, क्या आपका इशारा अपराध के साहित्य के विमर्श की तरफ है? अगर आप विमर्श की तरफ अगर आप बात कह रहे हैं तो बात वो क्लियर करना चाहो कि आप विमर्श की तरफ तक तो दूसरी बात चली जाएगी। देखिए, मैं बहुत इसके प्रोस एंड कॉन्स में जाए बिना कि विमर्श है या परामर्श की तरह, या मेरा मानना यह है कि जैसे निर्भय गुजर का एनकाउंटर हुआ, उसके आतंक से 30 साल चंबल कांपी है। ददुआ का, ये दोनों एसटीएफ ने किए थे, ददुआ का आतंक खत्म हुआ, मतलब उसकी रिट चलती थी कि उसने कहा कि इनको वोट देना है तो लोग उसी को वोट देते थे मारे डर की वजह से। ये सक्सेस पुलिस को कैसे मिली, क्या फैक्टर थे, क्या किया है ऐसा पुलिस ने, ये कहीं डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। देखिए, डिस्कशन उस पर, विचार या विमर्श या सलाह जो कुछ भी है वो पढ़ने वाले का काम है, ये सही हुआ, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन इसका होना चाहिए। जी सर, अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात है तो ये जरूरी कदम होनी चाहिए, लेकिन अगर हम विमर्श की बात करते हैं तो जो कि जितने भी आपने नाम बताए, चंद्रकांता संतति और उसके बाद का जो ग्रामीण जगह साहित्य है, ये सारे साहित्य जो है पॉपुलर साहित्य के रूप में, शायद सुरेश पाठक के जो साहित्य है पहले से पॉपुलर साहित्य के रूप में है, तो विमर्श की तरफ तो जा ही नहीं सकता, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंटेशन इस पर होनी चाहिए। सर का कहना यही है कि अभी मेरा कहना भी है कि फिक्शनल थे वो। जी, मैं ये कह रहा हूं कि वो फिक्शनल थे, इनमें से कोई पुलिस अधिकारी नहीं था, लेकिन पढ़े गए। ये कोई कहे कि नहीं साहब प्रेमचंद को ही पढ़ा जाता है, अमृतलाल नागर को ही पढ़ा जाता है, या बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया बड़ा अंतर है,
जो भी उपन्यास जो आप कह रहे हैं फिक्शनल क्राइम लिटरेचर जो है, यह आदमी दिमाग लगाता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कौन हो सकता है। और जो जिस जिसको साहित्य हम इसको तो साहित्य मानने को कोई तैयार नहीं है, ये तो कहते हैं साहब जासूसी उपन्यास है, ये पॉपुलर साहित्य के नाम से ये पॉपुलर साहित्य के नाम से है, लेकिन वो कहते हैं साहब ये अपराध, ये तो जासूसी उपन्यास है, और जासूसी उपन्यास के नाम पर द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर जैसा कि एक वेब सीरीज है रंगबाज में दिखाया गया है कि भाई कितने हद तक सही है सर, जब श्री प्रकाश एनकाउंटर के दिन आप कितने परसेंट श्योर थे कि श्री प्रकाश आपको आपका आमना सामना हो जाए? देखिए, जब मैंने आपको बताया कि एक यूनिट बनाई गई श्री प्रकाश शुक्ला के लिए, सब डेडिकेट, कोई आना नहीं चाह रहा था, सिर्फ 15 लोग उस टीम में थे, केवल 15 लोग। अजय राज शर्मा साहब जो बाद में पुलिस कमिश्नर दिल्ली के हुए और डीजी बीएसएफ होके रिटायर हुए, वो, अरुण कुमार साहब, सत्येंद्र वीर सिंह, मैं, और हम लोगों के लिए एक इंस्पेक्टर था अविनाश मिश्रा, एक इंस्पेक्टर था मालवी, कुल 15 लोग थे, 3-4 गाड़ियां थी। लेकिन जिस हिसाब से हम लोगों ने पीछा करना शुरू किया, और पहली बार जब मोबाइल, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं और तीसरा आदमी उसको सुन रहा है, तो वो रोमांच मैं शब्दों में नहीं बता सकता। और जब पहली कॉल उसकी सुनी, उस समय हम लोग ये कंफर्म हो गए कि अब हम अपने टारगेट को पा लेंगे, हम अपना गोल अचीव कर लेंगे उसी समय, क्योंकि वैसा जैसे बड़ा थ्रिलिंग, 5-5, 6-6 मोबाइल नंबर पे लगे रहते थे, घंटी बजती थी, उसको हम सुनते थे, अरुण कुमार साहब सुनते थे, क्या बात हो रही है, अपराधी की बात कर रहे हैं, कभी कभी किसी लड़की से भी बात करता था, ऐसा लगता था कि हम हो सकता है इसी में से कुछ निकल आए हमें। हालांकि ये सुनना इस बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है कि आप किसी के पर्सनल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट है ये, हम अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं तो तीसरे किसी को हक नहीं है उसको सुनने का, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हमको उसी में से सूचना मिलनी है। और जब पहली बार उसकी आवाज हम लोगों ने इंटरसेप्ट की थी, तो आप यकीन मानिए कि बस नींद नहीं आई थी, बड़ा गजब का है भाई ये, तो हम सुन लेंगे इसे। अब तो सब नॉर्मल हो गया है, अब मोबाइल में आप अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं, हजारों ऑप्शन आ गए हैं उसके, तो हम बिल्कुल श्योर थे कि हम पहुंचेंगे और हम अपना काम करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार भैया। सर आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी, मैं फॉरेंसिक साइंस का स्टूडेंट हूँ अभी। बहुत बढ़िया। जी जी जी, बहुत अच्छा। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे जो हमारे देश की जो जुडिशरी वर्क करती है, उसमें अक्सर ऐसा कहा जाता है कि 99 जो कल्प्रिट है या ऑफेंडर है वो भले बच जाए, लेकिन एक जो विक्टिम है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि आप NCERB का डेटा भी बता रहा है, काफी सारी केसेस जो है अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि जो जुडिशरी वर्क कर रही है या उसके पीछे जो भी लिंक है, क्या उसका प्रोसेस स्लो है या कोई और ऑप्शन होना चाहिए इसका? नहीं, प्रोसेस स्लो नहीं है, प्रोसेस अब ठीक हुआ है। पहले हमने बहुत शुरू में ही बताया कि सारे एविडेंस मैनुअल, ट्रायल मैनुअल। ग्रीष्मा बोकारिया जैसे 20 केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे कैपिटल पनिशमेंट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसी पे। देखिए, अभी तो बड़ा भारी तूफान आने वाला है और ये ऐसा चेंज होगा आप सोच भी नहीं सकते। 1 जुलाई से हमारी तीनों जो महाकाव्य हैं अपराध के, IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, ये लागू होंगे। और इनको लाने से पहले पार्लियामेंट में जो कहा गया कि साहब ये सब अंग्रेजों के समय के हैं, बिल्कुल सही है, सब दंड ओरिएंटेड थे, जिस शासक को फायदा पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ कोई बोले नहीं, उनको पैसा देता रहे, उनको उनका लगान मिलता रहे, उसको दंडित करने के लिए था। और अब जो विधान लाए हैं वो कहते हैं वो न्याय देने के लिए है, इतना कट शॉर्ट किया है उसको। देखिए, अब आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि लॉ का स्टूडेंट भी पढ़ेगा उसे पहली बार, जितने जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो भी पढ़ेंगे पहली बार, जितने लॉ के टीचर्स हैं वो भी पढ़ेंगे पहली बार,
सुप्रीम कोर्ट के जज तक उसे पहली बार पढ़ेंगे। सेक्शंस बदल गए, सेक्शंस का आशय बदल गया, सजाएं बदल गईं, इविडेंस किसको माना जाएगा, पहले मोबाइल फोन के सीडीआर को इविडेंस नहीं माना, सीआरपीसी में कहीं नहीं था, अब नए वाले में इविडेंस एक्ट में जो नया आएगा 1 जुलाई से उसमें ये माना जाएगा, चैट हिस्ट्री को इविडेंस माना जाएगा, मोबाइल इंटरसेप्शन को इविडेंस माना जाएगा। तो ये जो आमूलचूल परिवर्तन है ये हमारे जुडिशियल सिस्टम को, या ये कहें कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्पीड अप करेंगे। सब एक प्लेटफॉर्म पे होंगे और टेक्नोलॉजी हमारे साथ होगी, जो डेवलपमेंट होगी हमें व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो या बिल्कुल मान के चलें कि अब 1 जुलाई के बाद से जब हम इसे फेस करेंगे, अभी तो इसको चेक होना है, टेस्ट होना है, ग्राउंड पे टेस्ट होना है, तो हम जो आप स्लो की बात कर रहे हैं ये जिस स्पीड पर होना चाहिए उसी स्पीड पर होगा। जी और कोई एक लास्ट सवाल यहाँ से, अच्छा दो एक इन था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। प्रेजेंट टाइम में क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी कंटिन्यू है। ठीक सर, सेल्फ स्टडी के रेफरेंस में अगर बात करें तो इसके बाद का स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए मैं तो जमाने पहले इसमें था, बच्चों को भी मैंने किया, मेरी बेटी सिविल सर्विसेज में है, 2017 बैच में बेटा दे रहा है। जितना मैं समझ पाया हूं नए जनरेशन की तैयारी को, एनसीईआरटी बेसिक बुक है। जैसे सपोज करिए आप बीटेक हैं कंप्यूटर साइंस में, आपने हिस्ट्री कक्षा 6 में पढ़ी, उसके बाद कभी पढ़ी नहीं, और वही पढ़ा जो 5 क्वेश्चन आने वाले थे, उसके गेस कर लिए कि पिछले साल ये नहीं आया था, इस साल ये आएगा। तो आपको जानकारी चाहिए, पहले राउंड में 9th और 10th की सारी किताबें एनसीईआरटी की, उसको भी 3 पार्ट में पढ़िए। पहली बार उसको सिंपली पढ़ लीजिए, सिर्फ 15% रिटेन कर पाएंगे आप, जो आपका सब्जेक्ट हायर स्टडीज में नहीं रहा है उसमें, आप जैसे ज्योग्राफी में नहीं उसको रिटेन कर पाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं कर पाएंगे, मिडिल हिस्ट्री में नहीं कर पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर पाएंगे, नॉट मोर देन 10%। सेकेंड बार जब उसे पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, तो जो पहली बार पढ़े और फिर आपको लगा भूल गए उसको अंडरलाइन कर लीजिए, और जब तीसरी बार पढ़िए तो उसके बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए। ये मेरा अपने बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है। बहुत से और लोगों ने बहुत तरीके बताए हैं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर 11th और 12th के, और इसमें पूरे 1 साल लगेंगे, कोई जल्दबाजी मत करिए, कोई तेजी करने की ज़रूरत नहीं कि नहीं इसी साल हमें देना है, खूब आराम से इन्हें पढ़िए, बुलेट पॉइंट सब बन जाएं, उसके बाद फिर आप PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रेफरेंस बुक्स, कॉन्स्टिट्यूशन का वो उनका है क्या नाम है, लक्ष्मीकांत का, उनकी किताब पढ़नी पड़ेगी आपको, लेकिन बेसिक्स जब आप जान जाएंगे तो उसको पढ़ने में आसानी होगी। और सर और क्या कहते हैं, एक अगर लास्ट सवाल हम वहां से ले लें पीछे की तरफ से, अगर एक सिंगल बहुत छोटा सा, आप आगे ऐसे ही बोल दीजिए सर, आप ऐसे ही बोल दीजिए। जी बताएं, शॉर्ट में कर। मेरा नाम रजनीश है जी। सर मैं एक जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई सुनने में आता है पुलिस वाले से लोग डरते हैं कि अरे हाँ, भरोसा कैसे किया जाए, मतलब मैं मानता हूँ वहाँ पे भी इंसान ही होते हैं, सब अपने प्रकार के ही होते हैं, लेकिन ऐसा आपके हिसाब से आप इस पर थोड़ा मैं आपकी भावना समझ गया, आपके सवाल की भी भावना समझ गया। जी सर, पुलिस जब पुलिस एक्ट हमारा पहला आया था तो उसको इस तरह बनाया गया था कि लोग डरें। चौकीदार तो अब थानों में बहुत कम गांव में जाते हैं, पहले वो लाल सफा वाला जब चौकीदार जाता था तो लोग गांव छोड़ के भाग जाते थे। धीरे धीरे अभी ये कम हो रहा है, कम पढ़े लिखे लोग पुलिस में भर्ती कौन होता था। जब मैंने शुरू किया था तब उस समय हाई स्कूल उसकी क्वालिफिकेशन थी, और SSP ने कह दिया कि साहब फलां को देख लेना जरा सा, तो वो सिलेक्ट हो गया, चला गया। आज जो अभी नई भर्तियां हुई हैं 5 साल पहले, इंजीनियर्स हैं उसमें, और एक हमारा SO अलीगढ़ में था, वो नैनो फिजिक्स का PhD था, सब इंस्पेक्टर हुआ,
और जितने दिन मैं करीब 2 साल SSP अलीगढ़ रहा, उसके बिहेवियर की शिकायत कभी नहीं आई। तो चेंज हो रहा है और चेंज हो जाएगा। अब जब ये नए IPC CRPC आएंगे, तमाम पावर्स इसमें जो पुरानी उसमें नहीं डिफाइंड थे, डिफाइन कर दिए गए हैं। तो चेंज हुआ है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुआ है। लेकिन वो डर जो समाज में बिठाया गया सालों साल, सैकड़ों साल, उसको निकलने में टाइम लगेगा। आप बिल्कुल मत डरिए, अब तो थाने पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल खोलिए, अपना साइट निकालिए अपनी पुलिस की, उसमें कंप्लेंट लॉज करिए। मैं एक बार फिर से सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, पूरी झांसी की तरफ से, BLF की तरफ से, और BLF को बहुत बहुत, आप BLF की टीम को बहुत बहुत साधुवाद कि वो झांसी में लिटरेचर के ऊपर इतना सारा काम कर रहे हैं। तो हम सब को उनको भी एक ये धन्यवाद देते हुए इस सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू बच्चों को बहुत ढेर सारा धन्यवाद, और हम आप सबके बहुत ही उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और मैं ये भी देखता हूँ कि इसमें हर बच्चे में पोटेंशियल है, कभी 2-4 साल बाद मुलाकात हो तो इन्हीं में से IAS IPS मिले मुझे, ऐसी मैं कामना करके जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अरिंदम जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।